हेलो गाइस, टॉप एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का प्रोग्रामर एक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अपने स्मार्टफोन में बिना इंटरनेट कनेक्शन के ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना पसंद है तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मजेदार ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम्स लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको GTA गेम से रिलेटेड और भी अलग अलग तरह के ओपन वर्ल्ड गेम्स देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने स्मार्टफोन में ऑफलाइन खेल सकते हो। तो दोस्तों, मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे कर लेना, जिससे चैनल से रिलेटेड आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस, बिना देरी के चलिए इस मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं गैंग्स टाउन स्टोरी गेम से। दोस्तों, गैंग्स टाउन स्टोरी एक बहुत ही मजेदार ऑफलाइन GTA स्टाइल का जैसा ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसमें आपका कैरेक्टर एक गैंगस्टर का होगा और आपको इस गेम के ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर अलग अलग तरह के मिशंस को कंप्लीट करके इस गेम की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके अलावा गैंगस्टर सिमुलेटर गेम होने की वजह से इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की व्हीकल से लेकर बहुत सारे हैवी वेपन्स का इस्तेमाल पुलिस से लेकर क्रिमिनल्स के साथ फाइट करने के लिए कर सकते हो, जिससे ये गेम एक बहुत ही मजेदार GTA स्टाइल का जैसा ओपन वर्ल्ड गेम बन जाता है। इसके अलावा बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज 1GB तक है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हो, नंबर 2 पर है टोटली रिलायबल डिलीवरी सर्विस। दोस्तों, टोटली रिलायबल डिलीवरी सर्विस एक बहुत ही मजेदार ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड डिलीवरी सिमुलेटर गेम है, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर एक डिलीवरी मैन का होता है, जिसे अलग अलग जगहों पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजों की डिलीवरी करनी पड़ती है, और पैकेजों की डिलीवरी करने के लिए आप अलग अलग तरह की व्हीकल से लेकर हेलीकॉप्टर प्लेनों का इस्तेमाल इस गेम के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग तरह के व्हीकल्स को अनलॉक करने के लिए आपको इस गेम के अंदर अपने कैरेक्टर के लेवल को भी अपग्रेड करना पड़ सकता है। साथ ही गाइस, बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज 400MB तक होने वाला है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर सकते हो। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हो, नंबर 3 पर है हंटर क्राफ्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवल। दोस्तों, हंटर क्राफ्ट एक बहुत ही मजेदार 3D क्यूबिक स्टाइल का सर्वाइविंग शूटर ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर अलग अलग तरह के ज़ॉम्बी से सर्वाइव करना पड़ेगा, और ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने के साथ साथ इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के रिसोर्सेस को कलेक्ट करके आप अपने लिए बेस को भी बिल्ड कर पाओगे। साथ ही साथ बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इसमें आपको पिक्सल आर्ट के जैसे 3D ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका साइज 50MB तक होने की वजह से आप इस गेम को लो एंड स्मार्टफोन डिवाइस में भी आसानी से खेल सकोगे। गाइस, नंबर 4 पर है स्टोरी ऑफ द व्हाइट स्टोन स्टेट। दोस्तों, ये गेम भी एक बहुत ही मजेदार 3D ओपन वर्ल्ड RPG गेम है, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर एक छोटे से बच्चे का होगा, और आपके कैरेक्टर को अलग अलग जगहों पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिशंस कंप्लीट करने को मिल जाते हैं। साथ ही अलग अलग पार्टीज में जाकर आप इस गेम के अंदर लाइफ स्टाइल वाले मिशंस को भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें इस गेम के कंट्रोल्स की, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जिससे इस गेम को खेलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज 150MB तक होने वाला है, जिसमें आपको ठीक ठाक ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप टैप टैप वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर सकते हो। गाइस, नंबर 5 पर है जेड एम्पायर। दोस्तों, जेड एम्पायर एक बहुत ही मजेदार ऑफलाइन RPG गेम है, जिसके अंदर आपको एक छोटे से ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिशंस को कंप्लीट करके इस गेम की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाना पड़ता है। साथ ही साथ इस गेम में आपका कैरेक्टर एक वॉरियर का होगा, और आपको रस्ते में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स और एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए बहुत सारी पावर और वेपन के ऑप्शन दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से उन्हें डिफीट कर सकते हो। साथ ही बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज 4GB तक है, जिसे आप थर्ड पार्टी में जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके एंजॉय कर सकोगे।
गाइस नंबर 6 पर है क्रैश ड्राइव 3। दोस्तों क्रैश ड्राइव 3 एक बहुत ही मजेदार ऑनलाइन और ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग गेम है, जिसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की व्हीकल का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट की कार को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अपने अपोनेंट की कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको वेपन से लेकर कारों को ठोकना पड़ता है, जिससे आप इस गेम के अंदर मैचों को विन करके और भी ज्यादा पावरफुल व्हीकल्स को परचेज करके आगे के लेवल्स में उन सारी पावरफुल व्हीकल का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाकर आप आसानी से इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर पाओगे। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अगले गेम का नाम है रेडिएशन आइलैंड। दोस्तों रेडिएशन आइलैंड एक बहुत ही मजेदार फर्स्ट पर्सन शूटर ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर एक सर्वाइवर का होगा और आपको ये रेडिएशन आइलैंड के अंदर सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरह के रिसोर्सेस को कलेक्ट करके अपने लिए बेस को बिल्ड करना पड़ता है। और बेस को बिल्ड करने के साथ साथ इसके ओपन वर्ल्ड एरिया में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए आप अलग अलग तरह के वेपन का इस्तेमाल भी इस गेम के अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम खेलना चाहते हो तो इस गेम को भी आपको अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हो, नंबर 8 पर है ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स। दोस्तों ये एक बहुत ही मजेदार ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है, जिसमें आपको दो ब्रदर्स की स्टोरी देखने को मिल जाती है और आपको अलग अलग तरह के एडवेंचर मिशंस कंप्लीट करके इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्टोरी कंप्लीट करते वक्त रस्ते में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल्स को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे साइड मिशंस को भी कंप्लीट करना पड़ सकता है, जिससे ये गेम एक बहुत ही शानदार एक्शन एडवेंचर गेम बन जाता है। और आप इस गेम को अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से ट्राई कर सकते हो। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हो, नंबर 9 पर है ज़ेप्टी। दोस्तों ज़ेप्टी एक बहुत ही शानदार एक्शन एडवेंचर ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर एक काउ बॉय का होगा और आपको काउ बॉय का रोल प्ले करके इस गेम में दिए गए ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ना पड़ता है। और क्रिमिनल्स को पकड़ने के साथ साथ इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आप हॉर्स राइडिंग से लेकर अलग अलग तरह की व्हीकल का इस्तेमाल इस गेम के अंदर कर सकोगे। साथ ही वेपन्स के अंदर भी इसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज के ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें अनलॉक करने के लिए आपको अपने कैरेक्टर की लेवल को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में कम साइज के अंदर एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हो तो ये गेम भी आप अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर सकते हो। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के आखिरी गेम का नाम है माय टाइम एट पोर्शिया। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर सिमुलेटर गेम होने वाला है, जिसमें आपके कैरेक्टर को अलग अलग जगहों पर जाकर डिस्कवरीज करनी पड़ती है। साथ ही अलग अलग तरह के मिशंस को कंप्लीट करके इस गेम में आप अपने कैरेक्टर के लेवल को भी अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा बात करूँ इस गेम के कंट्रोल्स की, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कंट्रोल्स होने की वजह से इस गेम में आप इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के साथ साथ और भी बहुत सारे साइड मिशंस को खेल पाओ। इसके अलावा बात करें इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज 1GB तक होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ मजेदार ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम्स, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के ओपन वर्ल्ड गेम्स देखने को मिले होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे चैनल से रिलेटेड आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको उनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।